आज मैं आपको दिखाऊंगी कि गुजरांवाला ग्रामर पब्लिक स्कूल में हाउ द किड्स परफॉर्म। हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड बोथ रिक्वायरमेंट। ड्रेसेस माशाल्लाह एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द रियल पाकिस्तान। और ये बड़े हेल्दी लग रहे हैं मुझे। आज की जो वीलॉग है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसा स्कूल जिसके बच्चे ना सिर्फ तालीम हासिल करते हैं बल्कि तरबियत भी। और उनकी तरबियत जो है, तालीम तो डेफिनेटली एग्जाम्स हो जाते हैं, तरबियत में क्या होता है वी आर गोइंग टू वॉच टुडे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि गुजरांवाला ग्रामर पब्लिक स्कूल में हाउ द किड्स परफॉर्म। सो लेट्स गो एंड वॉच दैट। अभी जो है वो बच्चों के कराटे होने लगे हैं। ये देख रहे हैं कि आप ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं ये खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद तुमने क्या करना है आज? मैंने हैंड पेंटिंग करनी है। रियली? किस क्लास में हो? थ्री क्लास में। थ्री क्लास के ये अहमद है एंड हियर वी आर गोइंग टू डू दैट। सो लेट्स सी के हाउ द किड्स परफॉर्म। आपके टीचर कौन है? टीचर है। अच्छा, तो लेट्स सी, यहाँ पर इतने सारे बच्चे आए, इनके इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके इंस्ट्रक्टर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये आज क्या परफॉर्म करने लगे? जिमनास्टिक परफॉर्म। अच्छा, और आपका क्या इसमें बैकग्राउंड क्या है? मैं कोच हूं इनका, ट्रेनर हूं। ट्रेनर। वैसे आपने क्या किया? मैं नेशनल प्लेयर हूं। अच्छा, नेशनल प्लेयर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहराज। मोहम्मद शहराज जो है वो नेशनल प्लेयर है एंड लेट्स सी के इनके जो बच्चे हैं आज वो कैसे परफॉर्म करें। खुदी का सिर निहां, खुदी का सिर निहां, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होनी है एंड वी आर वेटिंग। Let's see how it happens. ये आप देख रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं ये किस तरह से जिमनास्टिक कर रहे हैं। This is all we must learn, especially लड़कों के लिए। This is very good for their physical activity and I am really impressed. ये छोटे छोटे बच्चे कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, हम इनके प्रिंसिपल से भी बात करते हैं कि हाउ डू दे डू इट। अच्छा, ये बताएं कि व्हाई कराटे? सेल्फ डिफेंस है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने अपना डिफेंस कैसे करना है, खासकर स्पेशली गर्ल्स। अच्छा, ये बताएंगे आपका अब ये जो स्पोर्ट्स का इवेंट है इसका मेन थीम क्या होता है, मकसद क्या होता है? हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड बोथ रिक्वायरमेंट। हम सिर्फ तालीम पे जोर देते हैं, लोग तरबियत भी चाहिए। और ये तरबियत में सबसे पहला जो है ना, फिटनेस ऑफ दी बॉडी इज दी स्टार्ट ऑफ दी तरबियत। जब तक बंदे की बच्चे की बॉडी ठीक नहीं होगी, जब तक उसका फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, कामयाब नहीं हो सकते। ये दौर अपने बराही
अभी जो होने लगा है वो मुझे लग रहा है कि जैसे एक आग के टायर में से वो करेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन वो इट सीम्स लाइक दैट। लेट्स सी, रादर लेट्स आस्क। अच्छा, ये अभी जो है ये आग के अंदर से गुजरने लगे हैं? आग के अंदर से गुजरे। आई श्योर? और अगर कुछ उनको चोट लगी तो? नहीं लगेगी, प्रोफेशनल हो गए हैं बच्चे, इतनी प्रैक्टिस की। पक्की बात। सो नाउ दिस एक्ट इज अ डिफिकल्ट वन because iske andar they are going to jump through the ring and the jumping through the ring with the fire on isse aapke baal jal sakte hain, aapke kapde jal sakte hain, it is very dangerous and I am really amazed। pakistan mein kisi cheez ki kami nahi hai, pakistan mein sirf pakistaniyon ki kami hai, baki we are full of talent mashallah and let's see how they do that। And I'm going to witness it myself. Let's see how they do that. आग तो लग गई है। Now this is a dangerous act I was talking about and I'm too scared to watch that. But let's see. इधर तक तपिश आ रही है आपकी। I'm totally speechless। एक गुजरावाला ग्रामर स्कूल के बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं जो कि लोग जिमनास्ट में करते हैं और बड़ी मेहनत की बात करते हैं। Of these kids and of course Pakistan zindabad। So now this is the turn of their instructor, let's see how he does that। Here he comes। Always better than the students. Let's see what comes next. So आपने देखा कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है और कितना मजे का एक्ट है एंड ब्यूटीफुल वेदर। ग्रामर पब्लिक स्कूल दूसरा वाला ये एक्चुअली मेड माय डे, मुझे इस व्लॉग का बहुत मजा आ रहा है। So let's see अब क्या होता है। आजो आजो, क्या नाम है आपका? आपका आपका क्या नाम है? क्या? अच्छा, आपने बड़े होके क्या बनना है? नहीं सोचा? किस क्लास में हो? सो ये माशाल्लाह इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड वी शुड अप्रिशिएट देम। Oh,
excited to be a part of this event. As you can see, this is an amazing act for the kids. ये जो बच्चे हैं सारे they have performed so well और बड़ा इनका अच्छा जो है अटायर है, जिसके कपड़े ज्यादा मजे के हैं वो जरा सामने आए ना, तुम इधर आओ, ये देखें इसके आप ये ड्रेसेस इनके चेक करें, they're amazing dresses, तुम आ जाओ, और किसके कपड़े मजे मजे के हैं तुम भी आ जाओ आगे, जिनके कपड़े जरा कलरफुल है, सो मैनी कलरफुल ड्रेसेस माशाल्लाह, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द रियल पाकिस्तान, द रियल पख्तून, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम. इस वक्त ये पंजाबी डांस हो रहा है, एंड दीज बॉयज आर सो ऑसम. अब हम दिखाएंगे इनका थोड़ा सा, हम पर्सनलाइज स्टेप दिखाएंगे कि ये बच्चे जो हैं ये स्टेप्स करते कैसे हैं. So let's go and watch. हाँ ये वाला करके दिखाओ. वाह बड़ा मुश्किल स्टेप है. She is good. चलो अब हम यहाँ पे कहेंगे पाकिस्तान एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. बच्चियों के लिए कराटे और फिजिकल एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है, और मुझे खुशी है कि इस स्कूल में इन बच्चियों को बहुत ज़बरदस्त कराटे और फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है. हाउ दे डू दैट, लेट्स वॉच. ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं ये अपने एक्ट से द फिजिकल द सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी फॉर द गर्ल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. और मुझे बड़ी खुशी है कि ये बच्चियाँ जो हैं अभी से अपने आप का सेल्फ डिफेंस मजबूत करें. मुझे है हुक्म अज़ा, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा. तो ये जो सारी बच्चियां हैं ये कराटे करती हैं और दे आर गुड इन सेल्फ डिफेंस, तो हम इनसे पूछते हैं हाउ दे डू दैट. अच्छा ये बताओ चले गए अब तुम कराटे क्यों करते हो? वैसे बस दिल करता है. ओके मेरा भी बहुत दिल करता था, मैं भी कराटे करती थी. और किस क्लास में? 10th. अब बॉयज आपके सामने सेल्फ डिफेंस का मुद्दा क्या है? ये 10th की बच्चियां हैं एंड दे आर डूइंग सो वेल, सो लेट्स सी बॉयज का सेल्फ डिफेंस कैसे होता है. ग्रामर पब्लिक स्कूल गुजरांवाला में, लेट्स सी दैट. इवेंट हो और मैं ये मजे मजे के गोल गप्पे ना खाऊं, दिस इज नॉट पॉसिबल. वैसे गोल गप्पे खाना जो है ना वो कैमरे में बहुत मुश्किल है, लेकिन आई विल ट्राई. आई लव गोल गप्पे और ये बड़े हेल्दी लग रहे हैं मुझे. बहुत ही मजे के. और मुझे अपने स्कूल का टाइम याद आ रहा है, दैट इज व्हाई. वो देखिए वो फाइट हो रही है. वेल ये जो टायर्स हैं पहले हम चेक करते हैं कि वाकई सॉलिड है कि नहीं. ये तो बकायदा बहुत मजबूत टायर है, आप करीब से ये देखें, ये वेरी स्ट्रॉन्ग टायर्स. और ये वाकई तोड़ना बहुत मुश्किल काम है. ये रख दो ऐसे किसके ऊपर, वो रख दो.
लेट मी ट्राई। ये हाथ पे आर्टिस्ट के हाथ है। आई कांट ट्राई एनी मोर बाय द वे। हाँ, एल्बो से मैं ब्रेकिंग करती थी ना, बट मैंने तोड़ी नहीं एल्बो से। हाँ तो नहीं टूटेगी ना, ये तो मैं कह रही हूँ कि दीज आर सॉलिड। नाउ द गर्ल्स आर गोइंग टू ब्रेक इट एंड लेट्स सी हाउ दे डू दैट, बिकॉज मुझसे तो ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है जब मैं कराटे करती थी, जब मैं फ्लो में थी तो तब मैंने कोनी से तोड़ी थी, लेकिन हाथ चूके अल्लाह का कलाम लिखने में है तो वो कैसे करेंगे। अगर बॉयज ब्रेकिंग कर सकते हैं तो गर्ल्स तो बिल्कुल भी कर सकती हैं, और गर्ल्स किसी भी मामले में बॉयज से कम नहीं है। सो लेट्स सी हाउ द गर्ल्स डू दैट। These are the girls and they are going to break it. So let's see. हाँ देखो, मेरे जैसे ही है। चलो। प्रेम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ। पाकिस्तान आर्मी को एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं गुजरांवाला ग्रामर पब्लिक स्कूल, and let's see how they give the tribute to them. I'm really excited because Pakistan Army is our defender, and every single year Grammar Public School Gujranwala gives tribute to Pakistan Army, aur inke bacche jo hain bahut zabardast kisam ka ek tableau dete hain. Is dafa wo kya kar rahe hain, let's go and watch that. मुझे है हुक्म ए अज़ा।